जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरदास। और ये लीजिए, आप सबके लिए वीडियो मैंने रेडी की है और ये तैयारी चल रही है लाडो की, मुंह दिखाई की और उसके कंगना खुलाई की। तो ये मिठाइयाँ सब तैयारी चल रही है। उसके बाद हम यहाँ लाडली और लाला 6 बजे से ही ये वस्त्र तैयार होके स्नान करके और लाडली ने जो है लाल ही रंग के वस्त्र जो बारा से जल्दी उठना पड़ा था, सभी उसको फिर हम सब ने मिल जल्दी जल्दी उठाया, तैयार को तैयार किया। उसके बाद चंदन का तो सर्वप्रथम जैसे नारायण भगवान तैयार हुए कथा में स्थान होता है, तो वो पंजीरी भी जो है फिर मैंने सुबह सुबह बहुत जल्दी हम लोग उठे थे और तैयार किया। ये देखिए, घर में सारी तैयारी चल रही थी, सभी ने बहुत जल्दी जल्दी किया सब। ये पंजीरी बनाने की भी प्रक्रिया साथ चल रही है और इनको पैक भी करना था। मिठाइयाँ जो है हम सब पैक करा के ही लाए थे, जो चीज़ें हमें बाहर से देनी थी और जो चीज़ें घर में तैयार की, खीर और ये सारे पंजीरियाँ वगैरह। और ये सब मैंने जो है तैयारी सुबह सुबह सब कर दिया था। ये समझ लीजिए हम पूरी रात सोए नहीं हैं क्योंकि इतनी सारी तैयारियाँ करना बहुत आसान और जल्दी नहीं है। इन सबको तैयार भी करना था, पंडित जी वगैरह के लिए भोग भी बनाया मैंने, प्रसादी सॉरी तैयार की, और सब जो है स्वयं से किया तो समय बहुत लगता है खीर बनाना से लेकर। और ये सभी जो है तैयारी में लगे हुए थे, बहुत समय लगा, मतलब 2 दिन जो है तैयारी में ही लग गया ये सुबह के वीडियो। और ये देखिए, कुछ तैयारियां हमने रात में ही कंप्लीट कर ली थी, जैसे झूले पे लाइटिंग वगैरह लगाने की। और ये हमने झूला भी बीच में रखा था क्योंकि उसका जो हम जब पूजा करें तो पूर्व दिशा में हमारा मुख हो, उस हिसाब से हमने दोनों कमरों के पास उसको तैयार किया। और ये मैं आप सबको साथ में ही दिखा रही हूँ गिफ्ट्स, ये 2 गिफ्ट्स लिए गए खुशी और ईशांत के लिए, क्योंकि ईशांत जो है देवर हो गए और खुशी जो है ननद हो गई। अब उनकी जो प्रक्रिया आएगी तो उनमें इनको ये गिफ्ट देने थे, तो ये 2 गिफ्ट जो है ईशांत और खुशी के लिए। साथ ही हमने बहुत सारी चीज़ें मंगाई और ये बच्चों के लिए स्पेशल भोग भी हमने जो है मंगाया, उनको जो पसंद था। तो ये इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ों की तैयारी जो है की। कुछ हमने जो गिफ्ट्स थे जो बहुत अच्छे तरीके से हमें लाडली जी की तरफ से, देखिए हम कोई नहीं हैं, सब लाडली जी हैं, गिफ्ट्स जो हैं हमको देने थे उनके भक्तों के लिए। तो इस तरीके से हमने ये गिफ्ट्स की तैयार की, जिसमें हमने ये पीतल की कटोरी और ये ग्लास, ये हमारी लाडली जी की मुंह दिखाई के उपलक्ष में हमने गिफ्ट्स में दिए, मतलब लेकर आए हमने और यही हमने उनको दिए। साथ में मिठाइयाँ, और जिसमें कि हमने मतलब अलग अलग तरीके से कई वराइटीज़ क्या कहूँ, जो उनको पसंद आते हैं, इस तरीके से हमने ये मिठाइयाँ तैयार की। दूसरी, ये जो हमने बॉक्स आपको दिखा रहे हैं ये लाडली के लिए था, और ये हमारी लाडली के लिए प्यारा सा ज्वेलरी बॉक्स हमने लिया है। वैसे ये श्रृंगार बॉक्स में आता है, लेकिन हमने उनके लिए ये स्पेशल लेकर आया क्योंकि तभी हम ले नहीं सकते थे। और ये वीडियो जब मैं फ्री थी शाम में, मैंने आप सबके लिए तैयार करके रख दिया था कि जैसे ही मैं फ्री होंगी तब मैं ये वीडियो बनाऊंगी। तो हम सब ने ये कंगना पहने थे जब उनको हल्दी लगी थी, मम्मी ने, सोनूदी ने, मतलब जो मेरी कज़न है उन्होंने। और यहाँ से ये हैं लाडली के वो गिफ्ट्स जो आप सब नहीं देख पाए थे विवाह के समय, तो मैं दिखा देती हूँ। ये हैं सोने के कुंडल, हमारी लाडली के विवाह के समय पे हैं, लिए थे हमने पर मुझे समय नहीं मिला और मैं वीडियो नहीं बना पाई। ये हमने मुंह दिखाई के लिए लिए हैं, ये चांदी का एक सेट है, और हाथ के हैं, ये चांदी का सेट मैं मुंह दिखाई में अपनी बहुरानी को दूंगी। लेकिन मैंने ये देखिए पहले बना के रखा था, इसलिए देखिए अब ये काम आ गया वीडियो। ये सेट है, इसमें कान के बूंदे हैं, अभी मैंने इसकी कनौतियाँ भी नहीं लगाई हैं, ये बाद में लगाएंगे।
मैंने कहा शाम को रख देती हूँ। ये हमारी लाडली की माथे का टीका है, ये सोने का, जो हम उसके विवाह के समय पे हम तुरंत जो लेकर आए थे, ये सब वही चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि रात को ही ये सब लगा के रख दो, ताकि सुबह जब लाडली श्रृंगार करेगी तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। वरना ये है ना कि सामान इधर उधर हो जाता है, तो उसके स्पेशल ये बॉक्स हम लेकर आए हैं ताकि। और ये है स्पेशल गिफ्ट कन्हैया की तरफ से होगा, ये मुँह दिखाई में ये सिंदूर की बिंदी है, मतलब सिंदूर की डिब्बी है, और इसमें ये चांदी की है जो कन्हैया देगा। और ये हाथ के चांदी के नजरीले हैं जिसे सोना देंगी अपनी बिटिया रानी को दोबारा से। और ये तो आपने देखा ही है, ये विवाह के समय पे लाडो ने पहना हुआ था, तो ये तो उनकी ज्वेलरी ऑलरेडी है, ये भी चांदी में है। अब देखिए चांदी में इसलिए क्योंकि सोने की तो मेरी बहू रानी है, अब उसको हम और सोना पहनाएंगे तो सोने से ज़्यादा वो चमकती हैं, जो सच है। और ये कड़े हैं केशव के लिए, क्योंकि केशव का जन्मदिन है 24 मार्च को, तो हमने एडवांस में ही उसके लिए लाके रखे हैं, पैरों के और हाथों के सबके पास पहले से हैं, लेकिन फिर भी। और ये लड्डू के लिए, अब ये समझ लीजिए चाहे ये शादी के विवाह का गिफ्ट है उन दोनों के लिए या फिर उनके जन्मदिन का। और ये है हमारी लाडली की सोने की नथ, ये सब उनके जो है विवाह के समय का है, इसलिए मैं आज उनकी ज्वेलरी भी आपको दिखा रही। कान के बुंदे तो लाडली के पास पहले से ही थे, और सोने की बिंदी भी लाडली के पास थी, लेकिन सोने की बिंदी भी उनके ऊपर बिल्कुल ज़्यादा चमकती नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मेरी बहू रानी जो है वो सोने की है। अब सोने से सोना भी उनके सामने फीका है, मैं क्या कहूँ। और ये वही लग्न पत्रिका जो रह गई थी, ये सब मैं आपको नहीं दिखा पाई थी, तो हमने वो सब चीज़ें भी पूर्ण की हैं। और ये सब करते हुए हमें बहुत खुशी, ये सब हम यादों के तौर पे साथ में रखने वाले हैं। यहाँ पर नाम मेंशन होगा, और सिर्फ नाम मेंशन करना था, और साथ में उनके विवाह का जो है इसके पीछे ही एक इस तरह का ही पीला पत्र है, उस पे लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी तैयारियाँ हमने रात में कर दी थी, कुछ तैयारियाँ रात की थी, तो वो रात में करने से क्या है सब हमारे लिए आसान हो गया सुबह के लिए। और ये गिफ्ट है खुशी के लिए, क्योंकि वो ननद है, और जब वो बॉक्स खोलेंगी तब ये बॉक्स खुलाई के समय पे खुशी को मिलेगा लाडली की तरफ से। और ये है लाडली की बड़ी गोल बिंदियाँ जो हमारी लाडो को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। अब आप यकीन मानिएगा, एक बार बिंदी लगाने के बाद हमारी लाडो दोबारा बिंदी नहीं लगाती है, उसको फिर वो बिंदी पसंद नहीं आती है, लेकिन ज़्यादातर शेप। और इस प्रकार ये हो गई हमारी लाडली की ज्वेलरी बॉक्स तैयार। और क्या कहूँ मैं आप सबको, एक और बात बताना चाहती हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि कल का जो भी फंक्शन हम कर रहे हैं वो सब स्वयं राधा रानी करवा रही हैं, या ये समझ लीजिए उन्होंने ही कराया है। और ये हैं लाल हरी चूड़ियाँ जो हम सभी भक्तों को जो आज आमंत्रित हैं, और जो जो घर पर आ पाए, देखिए आ तो वही पाता है जिस पर कृपा होती है, तो ये सब उन भक्तों के लिए हमने चूड़ियाँ भी रखी हैं, ताकि वो सब राधा रानी की कृपा पा सके। और यहाँ तैयारियाँ जो है शुरू हो गई हैं, और तैयारियों के लिए ये सारे चीज़ें जो है चल रही हैं। ओम एन बद्यो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेम तुम प्रतिमाचल के प्रतिबंधे नाम रचेमाचल माचल के एन बद्यो। राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तुम प्रतिबंधे नाम रचे माचल माचल के एन बद्यो।
सर्वांगे हरिचंदनम शुभ्रमिलम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परमेष्टो विजेते गोपाल चूड़ामणि करार बिंदेन पादार बिंदम मुखार बिंदे बिन्वेषयतम।